गौतम को नॉमिनेट करके क्या शालीन को बुरा लग रहा है? शालीन इस बात को देख नहीं पा रहा कि जिस तरीके से नॉमिनेशन में जाने के बाद गौतम उदास हो गया है, उसी बात को लेकर अब सुंबुल से वो बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आए। शालीन ने कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। जो भी है वो भी ह्यूमन बीइंग है, बिग बॉस हमारी जिंदगी का एक एक्सपेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिग बॉस को इतना सीरियसली ले लो। मुझे नहीं मालूम था कि नॉमिनेशन की वजह से वो इतना परेशान हो जाएगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सुंबुल कहती है कि अगर आपका दिल अच्छा है और आपको ये बात लग रही है तो आप जाके बात क्यों नहीं करते, था तो वो आपका दोस्त ही। तो जिस पर शालीन कहते हैं, मैं क्या जाकर बात करूँ, अब कैसे बात करूँ, लेकिन वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो बात भी मुझे बुरी लग रही है। कभी इधर तो नहीं, बाहर मिलेगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो शालीन इस बात को लेकर परेशान है कि मैं बात करूँगा तो फेक कहलाया जाऊँगा, क्योंकि नॉमिनेशन तो मैंने ही करवाया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब शालीन परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रियंका ने नॉमिनेट किया, लेकिन शालीन जो है इस बात को लेकर बहुत था कि गौतम ने नॉमिनेशन में आना ही चाहिए। प्रियंका ने शालीन को किया, फिर गौतम भी नॉमिनेट हुआ, तो शालीन, टीना, गौतम, सौंदर्या, ये चारों हुए हैं। तो अब हम आपको बता दें कि इस बात को लेकर शालीन को बुरा लग रहा है कि उसने ऐसा सोचा नहीं था कि गौतम जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो करेगा, और इसी चीज़ को लेकर वो सुंबुल से बात करते हुए भी नजर आए।